आज मैं दुबई जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, फिर हफ्ते दिन बाद आ जाना। क्या कह रहा हूँ, जाओगी? हफ्ते दिन बाद आना, ठीक है? ये पैकिंग हो गया पापा का, मेरा पासपोर्ट छोड़ दिया। मम्मा काम कर लेगी ना, मेरा पासपोर्ट बन जाएगा, फिर जाएंगे तीन। तो ये 19 केजी का वेट आ रहा। पापा आप दुबई से कब आएंगे? बोलते है ना, अरे वहाँ का फोन आ रहा था। मैं कैसे रहूँगा नुसा, बताओ। नहीं जा सकती ना। मैं इंदिरा गांधी टर्मिनल पे आ गया हूँ। आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चीज़ आप खा सकते हैं। ये 2 रुपीज़ का पेमेंट है जो करना होता है। जो वैलिडिटी होती है वो 2 आवर की होती है। यहाँ से आप वाइन बियर भी आप ले सकते हैं। दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप, ये 2 चीज़ मैं सोच रहा हूँ यहाँ से, देखते हैं कि मैं ले जा पाता हूँ कि नहीं। क्यों, चलिए बाहर निकलते हैं। दोस्तों आप ऐसा मत करना, बस ये वीडियो मैं टेस्टिंग के लिए बनाया था। फ्लाइट में आ गया, सीट नंबर 15 है, ये मेरा सीट है। तो कंपनी की तरफ से गाड़ी आ गई है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं दुबई जा रहा हूँ और मेरी फ़्लाइट शाम को 6:20 पे है, तो अभी तैयारी कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, इधर थोड़ी पैकिंग चल रही है। ये मैंने पैकिंग कर ली है, इधर टिकट भी है, इधर सारा सामान मैंने टिकट रख दिया। अभी मैं अकेले जा रहा हूँ और ये लोग भी आएंगे, लेकिन हफ्ते 10 दिन बाद, क्योंकि ये युवान सिंह का टिकट, वो पासपोर्ट नहीं बन पाया था, तो पासपोर्ट अभी बनने में कम से कम 3-4 दिन या हफ्ते दिन हो सकता है और लग जाए, इसलिए मुझे तो जाना पड़ रहा। और ये लोग आएंगे हफ्ते दिन बाद। रह लोगे हफ्ते दिन बाद? आओगे ना? मैं जा रहा हूँ, फिर हफ्ते दिन बाद आ जाना। क्या कह रहा हूँ, कब आओगे? तो आ जाऊंगा ना, फिर मैं लाऊंगा ना। और निशा, निशा इधर आओ, निशा इधर आओ, जाओगी हफ्ते दिन बाद आना, ठीक है? मैं जाऊंगा, फिर वहां से टिकट भेजूंगा, फिर आ जाना। ये कैसा आता है देखो। अभी मेरे पास 2-3 घंटे है, 2 बजे के आसपास निकलूंगा, तो मैं 4-5 बजे वहां पे पहुंच जाऊंगा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, और वहां से 6 बजे की टिकट है। हो गया पापा का, देखो ये पापा का कपड़ा है, सब कुछ, ये ब्रश, मम्मा है, मम्मा का आपका है, ये देखो ये ब्रश है पापा का, ये देखो ये टिकट है, टिकट है, रख दो, ये टिकट है। और फिर ये मेरा पासपोर्ट छोड़ दिया, मम्मा काम कर लेगी ना, मेरा पासपोर्ट बन जाएगा, फिर जाएंगे तीन। ये मैं रेडी हो गया हूँ और अब मैं निकलने वाला हूँ। और ये मेरे पास 2 बैग है, एक तो बैग ये है और एक बैग ये है, तो इसका वेट कर लेते हैं पहले कितना है। तो ये मेरे पास वेटिंग मशीन है, इसको इससे एक बार वेट कर लेते हैं कितना है मेरे पास। तो ये 19 केजी का वेट आ रहा है, एक बैग जो मेरा है वो 19 केजी का है। और ये भी, इसको भी चेक कर लेते हैं कितना है, 13 केजी का। और ये मेरा पासपोर्ट डॉक्यूमेंट है। पापा आप दुबई से कब आएंगे? आ जाऊंगा, आऊंगा नहीं, पहले टिकट भेजूंगा मैं तुम्हारा। हाँ। तो तुम भी आओगे, ठीक है? ठीक है। नीसा भी आएगी और मैं, और सब आएंगे सब। अभी युवान सिंह पूछ रहे हैं कि पापा कब आएंगे। देखो अभी मेरे इन लोगों को भी ले जाना था, लेकिन क्या हुआ, इनका पासपोर्ट बन नहीं पाया, तो अब यहीं पे हैं। हफ्ते 10 दिन बाद ये लोग सब आएंगे। मैं घर पे रहूँगा, मैं रेडी हो जाऊँगा ना, ला लूँगा खाना पी के, आ जाऊँगा फिर पापा का। मुझे कॉल करोगे? अरे हाँ हाँ कर दूँगा। और आप किसका फोन आ रहा है अब बोलते हैं ना, अरे वान का फोन आ रहा था, चलो फोन उठा लेता हूँ, बोलना ठीक है? हाँ ऐसे बोलूंगा, अरे युवान का फोन आ रहा है,
तो मैं फ़ोन उठा लूँगा। चलो फ़ोन उठा लेता हूँ, ऐसा बोलूँगा। अरे आप फोन उठा दिए तो क्या? उठा लूँगा, जब कॉल करोगे तो उठा लूँगा, मैं भी कॉल करूँगा। और मैं रेडी होके आ जाऊँगा, मैं और मैं अभी रेडी नहीं हुआ। आप चले जाओगे ना रेडी होके, फिर मैं खाना खा लूँगा। खाना खा लूँगा? हाँ, फिर पानी पी लूँगा, पाटा पी लूँगा ना। और मैं जल्दी मैं पैक पैक कर लूँगा, मैं जल्दी आ जाऊँगा, हेलीकॉप्टर लेके आ जाऊँगा। फिर आ जाएगा ना, फिर आ और निशा, निशा भी आएगी ना। मैं निशा को, निशा को आएगी ना, आ जाएगी। मैं कैसे रहूँगा निशा बताओ, मैं कैसे रहूँगा? पानी। मैं कैसे रहूँगा? मैं जा रहा हूँ अकेले, कैसे रहूँगा अकेले, कैसे रहूँगा बताओ मुझे। किसी दे, चलो किसी दे दो। मैं कैसे रहूँगा? तो ये निशा को मैं ले जा नहीं पा रहा हूँ, इनका पासपोर्ट तो बन गया है बट वही है युवाम सिंह का रह गया, इसलिए नहीं जा पा रहा। नहीं जा सकती ना, ये मेरा पूरा काजल बर्बाद करती। अब दुबई कैसे जाओगी? नहीं जा सकोगी ना, पहले हैंड धोना है, हैंड वॉश करोगी, फिर नहावाना पड़ेगा ना दोनों को, आपको भी। मैं इंदिरा गांधी टर्मिनल पे आ गया हूँ, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, यहाँ पे मैं एंट्री कर चुका हूँ। अब मुझे अपना जो लगेज है ये लगेज इसको सबमिट करना है। एयरपोर्ट के अंदर आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मीन्स आपको बिना पे किए कोई भी चीज़ आप खा सकते हैं। अच्छा, हो सकता है आपको पता है लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी हम ट्राई करेंगे कि ये मुझे देते हैं या नहीं, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, चलता हूँ। आप सामने देख सकते हैं फूड कोर्ट है, ये चीज़ बहुत लोगों को पता नहीं है बट मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। जब क्रेडिट कार्ड परचेज़ करते हैं तो कई बार उनमें बताया जाता है लेकिन हम भूल जाते हैं, लेकिन आज मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि ये सही में है या नहीं, तो चलिए देखते हैं। ये सामने रिसेप्शन है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड चेक किया जा रहा है, पहले टिकट मांग रहे हैं फिर क्रेडिट कार्ड चेक कर रहे हैं कि एक्टिव है या नहीं। और ये ₹2 का पेमेंट है जो करना होता है, और अंदर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चीज़ आप फ्री ऑफ कॉस्ट खा सकते हैं। ये सेल्फ सर्विस है और यहाँ पे आपको खुद ही लेके खाना पड़ेगा। यहाँ पे बूफे की तरह है, बूफे में जैसे आप अनलिमिटेड जितना भी खा सकते हैं, तो ये पूरा लगा हुआ है, जो भी आपको खाना है वो खा सकते हैं। यहाँ पे देखिए लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 2 आवर की होती है, मीन्स आप एक बार इंटर कर गए तो इसके अंदर आप 2 घंटे ही रह सकते हैं, 2 घंटे में आप जो भी खाना है या फिर जितना भी इंजॉय करना है कर सकते हैं, आफ्टर 2 आवर आपको बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए कढ़ाई चिकन, ये पैन एंड इन अफ्रेडो सब्जी, ये है मटर पनीर, दाल मखनी, जीरा राइस, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ से आप वाइन बियर भी आप ले सकते हैं। वैसे तो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं बट कुछ चीज़ें
हैं जो जिसमें आपको पैक करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप, ये दो चीज़ मैं सोच रहा हूँ यहाँ से, देखते हैं कि मैं ले जा पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे खाना अलाउ है और बाहर ले जाना अलाउ है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये ट्राई करूँगा कि ये मैं ले जाऊँ, देखते हैं कि अगर कोई रोकता है या नहीं रोकता, बस ये चेक करना है मुझे। अदरवाइज़ मैं तो इसको खा भी सकता हूँ, लेकिन एक बार ट्राई करते हैं कि इसको बाहर ले जा पाता हूँ कि नहीं। तो दोस्तों इसको उठाते हैं और बैग में डाल देते हैं, चलिए बाहर निकलते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा खा लिया, देखते हैं। और कुछ दो चीज़ रखा हूँ मैं चेक करने के लिए कि यहाँ पे बाहर निकलते टाइम ये चेक करते हैं या नहीं चेक करते हैं, तो यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं हो रही है, आप बाहर निकल सकते हैं। ये मैं बाहर आ गया, वहाँ पे कोई चेकिंग नहीं हुई निकलते टाइम पे। मैंने वहाँ पे कुछ दो आइटम लिए हैं बस, टेस्टिंग के लिए बस लिया था कि वो बाहर जा सकते हैं नहीं जा सकते, लेकिन निकलते टाइम उन्होंने कोई टेस्ट कोई चेक नहीं किया या फिर कोई बोला नहीं। दोस्तों आप ऐसा मत करना, बस ये वीडियो मैं टेस्टिंग के लिए बनाया था। फूड कोर्ट में एंजॉय करने के बाद चलिए चलते हैं अब फ्लाइट में। फ्लाइट में मैं आ गया, सीट नंबर 15 है, ये मेरा सीट है और ये मैं बैठ गया। अब टेक ऑफ के लिए तैयार है फ्लाइट, ये सामने आप देख सकते हैं टेक ऑफ करने वाली है। फ्लाइट में ब्रेकफास्ट में ये चिकन सैंडविच और एक वाटर की बोतल मिली है। बैग के लिए वेट कर रहा हूँ, जैसे ही बैग आता है फिर यहाँ से निकलते हैं। तो कंपनी की तरफ से गाड़ी आ गई है और मैं जा रहा हूँ अभी फ्लैट पे। दोस्तों मैं फ्लाइट पे पहुंच चुका हूं, रात के करीब इंडिया के हिसाब से 1:30 बज गया और यहां पे कम से कम आई थिंक 12 बज रहा होंगे, तो बहुत ही रात हो गया और अब सोने का टाइम है, कल ऑफिस भी जाना है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।